कोविड-19 वैक्सीन लगवाने लोगों में खासा उत्साह है। सभी वैक्सीन सदर सेंटर पर बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। भीड़ की वजह से वैक्सीन सेंटर में अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। रांची के स्वास्थ्य केंद्र में भी वैक्सीनेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। यहां पर लोग सुबह से पहुंच जाते हैं और काफी भीड़ हो जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी लगातार उल्लंघन सामने आ रहा है। लोगों को समझाइश देने के बाद भी लोग लापरवाही दिखा रहे हैं। सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों और यहां आने वालों का कहना है कि बैठने की जगह नहीं है और न ही पीने के पानी का इंतजाम है। गर्मी में लोगों को काफी परेशानी होती है। इस संबंध में वैक्सीनेशन सेंटर द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करने के लिए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई है कि यहां पर पुलिस बल तैनात की जाए ताकि नियमों का उल्लंघन न हो और वैक्सीनेशन का काम करने वाले कर्मचारी अपना काम कर सके। बावजूद उसके किसी प्रकार की कोई मदद सेंटर को नहीं मिल रही है। सेंटर में बैठने और पीने के पानी के इंतजाम की वजह से लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। यहाँ पे सुबह 8 बजे से आगे खड़ा हुआ हूँ और भीड़ यहाँ पे काफ़ी तादाद में है, मगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और न यहाँ पानी पीने के लिए व्यवस्था है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आजू बाजू के लोग भी यहाँ पानी के लिए व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग बैठ बैठ जा रहे हैं, लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ जो व्यवस्थाएँ हैं वो सब चरमराई हुई है, समझे। आप लोगों से निवेदन है कि यहाँ व्यवस्थाएँ करवाएँ, पानी की व्यवस्था करवाएँ। लेडीज़ खड़ी हुई हैं, धूप यहाँ तेज़ है और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आधारता रघुनाथ प्रसाद गंगवार कटरा। हमने यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने SP साहब से भी एक पत्र लिखवाया कोरिया से, जो वहाँ दिया। अभी TIO सर से बात हुई, जो TI साहब से बात की, लेकिन TI साहब फ़ोन नहीं उठाया। उनको सोशल डिस्टेंसिंग और यहाँ पब्लिक की मतलब घमासान भीड़ हो रही, इनको समझाने के बाद भी सुनने को तैयार नहीं है। और हम लोग को वैक्सीन करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऑपरेटरों को इतना परेशानी हो रही है फीडिंग करने में भी। तो इसके लिए हमने TIO सर से बात की और वहाँ पे जो नोडल प्रभारी है उनसे बात की कि भाई यहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की जाए और उनको सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से अलग से किया जाए, तभी हो जाए। और दूसरी बात, यहाँ तो ना कर्मचारी को ना पानी की व्यवस्था है, ना खाने दोपहर का खाने, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं। कर्मचारियों को परेशानी है, सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बारे में कई बार चर्चा हुई उच्च अधिकारी से, परंतु इस बात में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। राजेंद्र सिंह टेका, संभागीय अध्यक्ष।